तो बच्चों कल हमने क्या किया था, आज शुरू करना था एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स बेटा जो होते हैं एनवायरनमेंट के, वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, है ना। ऑर्गेनिजम्स की कौन सी स्पीसीज आगे सरवाइव करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये डिसाइड करता है बेटा एबायोटिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, है ना, ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया बेटा। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं बेटा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन फेल कर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हेडिंग दिए थे कल आप, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में लिखो, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में लिखिए बेटा, ए बायोटिक कंपोनेंट्स कैन डिटरमाइन, ए बायोटिक कंपोनेंट्स कैन डिटरमाइन विच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक कंपोनेंट्स कैन डिटरमाइन विच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव, विच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव इन गिवेन इन्वायरमेंट, इन गिवेन इन्वायरमेंट। ठीक है, कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा ये डिसाइड करता है बेटा ए बायोटिक फैक्टर। और ए बायोटिक फैक्टर में सबसे पहले लिखो आप टेम्परेचर, नंबर वन। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बेटा आप जानते हो कि सबसे लो टेम्परेचर कहाँ पे होता है, अल्पाइन में। मतलब अगर मान लो बेटा कि ये अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है, हाइपोथेटिकली हम मान ले इक्वेटर की लाइन है, ठीक है, तो ये जो जोन देख रहे हो इसको क्या बोलोगे आप, ये जो देख रहे हो बेटा ये है ट्रॉपिकल, ये कौन सा जोन है बेटा ट्रॉपिकल, ये होगा क्या सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल इंडिया इसी में आता है बेटा, इंडिया का जो नॉर्थ एरिया है ना इसी में आएगा। और ये है टेम्परेट, टेम्परेट जोन, और ये जो है बेटा आर्कटिक या अल्पाइन जोन, अल्पाइन, ठीक है। तो सबसे लो टेम्परेचर कहां पे होगा, सबसे लो टेम्परेचर अल्पाइन में होगा बेटा, उससे ज्यादा कहां पे होगा बेटा टेम्परेट पे होगा, ठीक है, टेम्परेट, उससे ज्यादा, ये उल्टा बना दिया मैंने, ऐसे बनाए तो सही है, इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है कहां पे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल जोन में। ये पोल है बेटा, इसको पोल मान लेते हैं हम, ये इसको इक्वेटर मान लेते हैं, तो ये है ट्रॉपिकल, ये है सब ट्रॉपिकल, ये है टेम्परेट जोन, ये है अल्पाइन जोन। सबसे लो टेम्परेचर कहाँ पे होगा, पोलर रीजन में होगा बेटा। एक चीज और है, जब हम पोल से बेटा इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, इससे इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, और इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा,
तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, डायग्राम बना लो, इसे याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में बेटा यहाँ पे इक्वेटर पे ग्रेटर देन 50 टेम्परेचर चला जाता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो हम यहां पे जून लिख देते हैं बेटा, यहां पे हम जून लिख दें। ठीक है, और यहां पे ऑर्गेनिजम्स, नीचे वाले में ऑर्गेनिजम्स, तो जून होता है बेटा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक जोन। ठीक है, इसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते क्या हैं? जो ट्रॉपिकल रीजन में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स। जो सब ट्रॉपिकल में रहते हैं उनको बोलते हैं बेटा मीजोथर्म्स, ऑर्गेनिजम्स का नाम, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं बेटा उनको बोलते हैं माइक्रो थर्म्स, और जो आर्कटिक में रहते हैं इनको बोलते हैं बेटा, इनको हेकिस्टोथर्म्स, हेकिस्टो थर्म्स, उनको बोलते हैं बेटा हम हेकिस्टोथर्म्स, जो बहुत ही मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म्स। टेम्परेट जोन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं माइक्रोथर्म्स, सब ट्रॉपिकल में रहने वाले को बोलते हैं मीजोथर्म्स, ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले को बोलते हैं मेगाथर्म्स। क्लियर है यहां तक? अब लिखो कुछ यूनिक हैबिटेट भी है बेटा, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसमें ग्रेटर देन 100 टेम्परेचर भी रहता है, तो उसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो। यूनिक, यूनिक हैबिटेट, यूनिक हैबिटेट लाइक, लाइक थर्मल स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैव ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इससे भी ज्यादा। ठीक है, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अच्छा लिख लो फिर से दोबारा, यूनिक हैबिटेट्स में लिख लो, थर्मल स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स, यूनिक हैबिटेट में बोल रहा हूं, थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैव ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है बेटा और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइक्वल है। जैसे बेटा जैसे कनाडा और जर्मनी में मैंगो ट्री नहीं पाए जाते है ना, वहां पे वो ग्रो कर ही नहीं सकते, अगर हम ग्रो करना भी चाहें, ग्रो हो भी जाए तो सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है ना, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फंक्शन डिसाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को कि कौन सरवाइव करेगा कौन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वेल एज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वेल एज जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन
of plants and animals physiological function as well as geographical distribution of plants and animals governed by the temperature and their thermal tolerance मतलब कितने टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकता है, है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखिए, मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी। Mango tree cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Next point likho isme, snow leopards SNOWLEOPARDS snow leopards are not found in Kerala forest. Snow leopards are not found in Kerala forest. ठीक है, क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट tuna fish rarely in caught beyond tropical latitudes in the ocean. बहुत ज्यादा बेटा ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे सरवाइव करना है और कौन नहीं करेगा, है ना। तो जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में बेटा सरवाइव कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ टेम्परेचर तो वो उसको तो सर उसमें सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर आया तो वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो ज्यादा रेंज आप टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं यूराई थर्मल ऑर्गेनिजम्स। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं बेटा यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। तो यूराइथर्मल ऑर्गेनिजम्स में लिखो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव और टॉलरेट दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव और टॉलरेट those organisms which can survive or tolerate a wide range of temperature variation those organisms which can survive or tolerate wide range of temperature variations. एग्जाम्पल लिखो बेटा, मोस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एस्टेरेसी ASTERACEE ये प्लांट फैमिली है बेटा, इसके प्लांट्स जो हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं करते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स
स्टेनो थर्मल ऑर्गेनिजम्स, स्टेनो थर्मल नैरो रेंज लिखिए, विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस बिकॉज ऑफ दियर रिक्वायरमेंट ऑफ because of their requirement of nearly constant temperature throughout the year, because of their requirement of nearly constant temperature throughout the year, constant temperature chahiye unko, theek hai. For example likhiye polar bear, lizards, amphibians and some plants. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इक्टोथर्मिक होते हैं, इक्टोथर्मिक और पोइकिलो थर्मल, इक्टो थर्मिक और पोइकिलो थर्मिक और इसी को और क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, किसको बोलते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को फ्लैक्चुएट कर सकता है ना, चेंज कर सकता है, और जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है बेटा जिसके जिस ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है ना, या इंडोथर्मिक या होमोथर्मिक एनिमल्स. नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखो कोल्ड ब्लड में लिखो, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद, इसको ले जाओ, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एक्सटर्नल टेम्परेचर. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. देखो प्लांट टेम्परेचर इनको चेंज कर नहीं सकता अपने बॉडी के, है ना, नहीं कर सकता वो, इसलिए उसको बोलते हैं हम इक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो ऑल प्लांट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स. अब लिखो दूसरा, इंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड, इसी का उल्टा जानते हो आप लोग पहले से, इंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होमोयोथर्मल, HOMOIO, थर्मिक ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स इसमें लिखो, ऑर्गेनिजम्स हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनका चेंज नहीं होता, पहले से जानते हो आप लोग, इसलिए इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, पहले से जानते हो आप लोग बेटा, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. लाइक क्या लिखोगे, बर्ड्स एंड मैमल्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. बेटा टेम्परेचर जो है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और बिहेवियर, इन सब को एक्सेट्रा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिख सकते हो आप, टेम्परेचर अफेक्ट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स.
बेटा हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करता है, ठीक है ना। ग्रोथ भी सेल डिवीजन के थ्रू होती है, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, सेल में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो है बेटा ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, उसके मेटाबॉलिक रेट को, डिस्ट्रीब्यूशन को और बिहेवियर को, सबको बहुत काफी हद तक कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी हुई बेटा तभी भी वो क्या करते हैं, बरों में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर डाउन हो गया उस टाइम पे भी वो बरों में चले जाते हैं। विंटर स्लीप एंड समर स्लीप जानते हो आप लोग, तो विंटर स्लीप को और क्या बोलते हैं, फ्रॉग जो है विंटर स्लीप में चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइबरनेशन। और समर स्लीप में चला जाता है गौतम तो क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिवेशन, हाँ AES, हाँ ठीक है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन ये किस लिए है बेटा, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, जब वो सरवाइव नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे तो वो स्लीप मोड में चले जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर लिखो बेटा वाटर। वाटर आप जानते हो बेटा कि लाइफ कहाँ, लाइफ की ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, एक्वेटिक मीडियम में ना, लाइफ की ओरिजिन ही एक्वेटिक मीडियम में हुई थी बेटा। इसलिए आज भी सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, वाटर। और जो हम हाँ सी वाटर में हुआ था, और जो हम पानी पीते हैं ना उसका मैक्सिमम पार्ट किसमें यूज होता है, हमारे हमारा ब्रेन करता है। हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है तो सबसे ज्यादा वाटर यूज करता है, ब्रेन, है ना। बिल्कुल सही बात है बेटा, ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा वाटर यूज करता है। और देखो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे भी बेटा, जब ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हो गया था, मोस्ट मेटाबॉलिक एक्टिव, हाँ जब एक्वेटिक से ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जब टेरेस्ट्रियल हो गया तो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बेटा एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो एमनियोनिक फ्लूड है, ह्यूमन की बात करें देखो तो एमनियोनिक फ्लूड है, एमनियोटिक फ्लूड है, उसके चारों उसके अंदर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट बेटा हर मेटाबॉलिक, आप जानते हो कि अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसका, मैक्रोमोलिक्यूल का, और माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए बेटा क्या चाहिए, वाटर का वहां से रिमूव होता है, और मैक्रो से माइक्रो में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, फिर वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो लिखिए वाटर में, लिखो दो तीन पॉइंट लिखो इसमें, इट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, influence the life of an organisms. Next point, life on earth for the first time originated in the water. ठीक है, इन द वॉटर एंड कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट इट। मतलब वॉटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी समझ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास इंक्रीज करना, फूड ही केवल नहीं बायोमास बोलेंगे उसको, को इंक्रीज करना क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो भी इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन वॉटर,
productivity and distribution of plants is dependent on water. Next point, water greater than 71% surface of earth, 71% greater than 71% surface of earth as ocean. 71% से ज्यादा है बेटा, है ना, ओशियन, लेक, रिवर्स, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, इतना सारा कुछ. लैंड एरिया तो बहुत कम है ना, उसके बाद भी देखो कितना पोल्यूशन है ना, है जनरेट होता है रोज. ग्लेशियर्स क्या लिखा, ओशियंस, लेक, रिवर्स, आइस कैप, पॉन्ड्स एंड सॉरी पॉन्ड्स तो लिख सकते हो एंड ग्लेशियर्स. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स For aquatic organisms, pH chemical composition, pH chemical composition and temperature is important for survival. मतलब अब देखो जो सैलाइन वाटर में रहते हैं बेटा, जो मैराइन वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते. जो फ्रेश वाटर में है वो मैराइन वाटर में नहीं रह सकते. इसका रीजन क्या है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, है ना, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन, पीएच, सब कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है. जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं वो वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं, या जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर आल्सो अफेक्टेड बाई साल्ट कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखो, मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड. These are also affected by salt concentration, in bracket, measured as salinity, S-A-L-I-N-I-T-Y, salinity, in parts per thousand, dash, it is less than 5 in land water. It is less than 5 in inland water. 30 to 35 in sea water ki salinity hoti hai beta 30 to 35 in sea water and greater than 100 in some hypersaline lagoons, L-A-G-O-O-N-S, lagoons. ठीक है, अब लिखो urehaline organisms which can tolerate, those organisms which can tolerate a wide range of salinity. Urehaline में लिखो, the organisms which can tolerate a wide range of salinity. Wide range of salinity.
इसका उल्टा क्या होगा बोलो, इसका उल्टा क्या होगा? स्टेनो हैलाइन। हाँ गौतम बताओ, स्टेनो हैलाइन, बहुत बढ़िया, स्टेनो हैलाइन। एग्जाम्पल अभी नहीं देखना है बेटा, आगे आएगा अभी, समझ रहे हो? बस जितना पढ़ना है ना, आपको पता है इकोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, समझ रहे हो? और सारा 100% एनसीईआरटी से रहेगा इकोलॉजी, तो समझ रहे हो? यही कर लो, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत सारे, और जितने आएंगे जितना है उतना ही याद करना है बेटा, है ना? स्टेनो हाइलाइन में लिखो, ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज, बहुत बढ़िया बेटा आशुतोष, अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। आप चाहो तो लिख लो, फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन सी वाटर ड्यू टू हाई सैलिनिटी एंड वॉस वर्षा, ठीक है, लिख सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट, नेक्स्ट फैक्टर इज लाइट, लाइट इसमें लिखिए ऑल ऑटोट्रॉफ। लाइट के बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस में खूब पढ़े हैं, है ना, कैसे अफेक्ट करता है बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो इनडायरेक्टली अभी जो हम बोल रहे हैं बेटा, ये साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं हम, तो ये जो साउंड एनर्जी है बेटा किसका कन्वर्जन है? इनडायरेक्टली सनलाइट, सन की लाइट एनर्जी ही है। कैसे? सन की लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने किस में कन्वर्ट किया बेटा? केमिकल एनर्जी में, फूड में। उस फूड को हमने इनटेक किया बेटा, इनहेल किया, उसके बाद क्या क्या है, इनजेस्ट किया, फिर डाइजेस्ट किया, फिर उसको सेल के पास ले गए, बिल्कुल, और हमारे सेल ने क्या किया, उसको उसका ब्रेक डाउन करके बेटा एटीपी प्रोड्यूस किया, और एटीपी कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें? साउंड एनर्जी में। तो इनडायरेक्टली ये सन की लाइट एनर्जी ही है। तो पूरे बायोस्फीयर में बेटा जो लाइट का सोर्स है वो सनलाइट ही है, है ना? तो इसका अमाउंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हर ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को। तो लिखिए नेक्स्ट फैक्टर, लिखिए लाइट, लाइट में लिखो बेटा, काफी हद तक हम लोग इसमें पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसके बारे में। ऑल ऑटोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन, ऑल ऑटोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, डिपेंड ऑन लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। सो लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैक्टर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। अगर लाइट ना हो बेटा तो यहां लाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभी मान लो 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए यहाँ पे लाइट न रहे बेटा, सनलाइट ना हो, बादल घिरे रहे, तो देखो CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सफोकेशन होने लगता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मॉल हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट्स adopted to photosynthesis under very low light intensities. But herbs और shrubs जो जहां पर बहुत कम light पहुंचती है ना,
वो उसी के लिए अडॉप्टेड होते हैं, थोड़ी सी लाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. अडॉप्टेड टू हर्ब्स एंड सर्प्स, अडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज अंडर वेरी लो लाइट इंटेंसिटीज बिकॉज दे आर ओवर शैडोड बाय the tall canopied trees, tall trees. Photosynthesis के chapter में बेटा जो factors हैं, factor affecting photosynthesis, वहां पे भी यही बात दी लिखी हुई है बेटा, है ना, उसको पढ़ना है आप लोग, चाहो तो पढ़ सकते हो, वहां भी लिखा हुआ है. ठीक है, low light intensity में भी वो plant photosynthesis कर लेते हैं. Next point लिखो, plants are also depends on photoperiodic requirement of plants are also depend on photoperiodic requirement of flowering, मतलब amount of light. ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, vernalization पढ़ चुके हैं बेटा, है ना, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लावरिंग. नेक्स्ट पॉइंट, मेनी एनिमल्स डिपेंड ऑन डायर्नल, DIURNAL, डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस, diurnal and seasonal variation in light intensity and duration. ऐसा नहीं कि केवल plants ही affect होता है बेटा, animals भी, है ना. Many animals depend upon diurnal and seasonal variations in light intensity. हम repeat कर देता हूं बेटा, लास्ट रिपीट लिख लो, मेनी एनिमल्स डिपेंड अपॉन डायर्नल, DIURNAL, डायर्नल मीन्स जानते हो बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना, इंडोक्राइनोलॉजी में हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में, है ना, डायर्नल पाइनियल ग्लैंड अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, मेनी एनिमल्स डिपेंड अपॉन डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन. देखो जैसे कि डॉग है बेटा, स्पेसिफिक टाइम पे साल भर में ज्यादा वो ब्रीडिंग करता है, जैसे कि अभी इस जो टाइम चल रहा है जिस समय दीपावली का टाइम होता है उसके आसपास एक दो महीने, है ना, कार्तिक के महीने में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कॉपुलेट करते हैं विंटर. तो इस तरह से हर एनिमल्स का बेटा एक पूरे साल में बहुत सारे एनिमल्स का एक टाइम पीरियड होता है, उसको भी अफेक्ट करता है लाइट, एनिमल्स को भी लाइट अफेक्ट करता है डायर्नल, है ना, एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, इन ब्रैकेट फोटो पीरियड, इन ब्रैकेट फोटो पीरियड as cues, COES, cues, cues means होता है बेटा signal, cues in bracket signal for timing, for timing the year foraging, foraging. Fragging means होता है बेटा fodder, fodder means जानते हो आप लोग, ठीक है, fodder, 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 comma reproductive and migratory activities. देखो ना, बहुत सारे birds migrate करके चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
सीजनल वेरिएशन जब होता है तो. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द यूवी कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, द यूवी कंपोनेंट ऑफ लाइट इज हार्मफुल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, इज हार्मफुल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट पॉइंट, रेड ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डीपर डिफरेंट डेप्थ. रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट डेप्थ. मतलब ये एल्गी जो है बेटा, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी डिफरेंट सरफेस पे सी वाटर में पाए जाते हैं. समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट, द रेड एल्गी कैन लिव इन वेरी डीप वाटर, डीप सी वाटर. सबसे ज्यादा गहराई में कौन पाया जाता है इसमें? रेड एल्गी. रेड एल्गी कैन लिव इन वेरी डीप सी वॉटर. नेक्स्ट लिखो बेटा सॉयल. नेक्स्ट फैक्टर इज सॉयल. ठीक है, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल इज इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी सिग्निफिकेंटली. लिखिए, the nature and property of soil in different plains, at different places vary significantly. Significantly, it depends on. पहला लिखिए climate. दूसरा लिखो weathering process. कॉमा, वेदर सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी. वेदर WHEATHER, वेदर सॉयल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी एंड सॉयल डेवलपमेंटल प्रोसेस. ये सब के अकॉर्डिंग बेटा डिपेंड करता है कि सॉयल का कंपोजिशन क्या होगा, प्रॉपर्टी और नेचर क्या होगा. ठीक है ना, लोमी सॉयल, सैंड सॉयल, है ना, आप लोग पढ़े हो, नाइन्थ में भी पढ़े थे थोड़ा बहुत, और उसके पहले क्लास एट्थ में भी, है ना. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. Water holding capacity and percolation. Water holding capacity and percolation of soil is determined by its various characteristics. Percolation of soil is determined by its various characteristics such as soil composition, grain size and aggregation. Aggregation. Next point, the characteristic of soil like grain size,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल लाइक ग्रेन साइज, मतलब उसके पार्टिकल की साइज, पोरोसिटी, porosity, पोरोसिटी कॉमा pH, मिनरल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, पोरोसिटी, pH, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल लाइक ग्रेन साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल लाइक ग्रेन साइज, पोरोसिटी, pH, मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्लांट्स, डिटरमाइंड द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन पार्टिकुलर हैबिटेट. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉयल लाइक ग्रेन साइज, पोरोसिटी, pH, मिनरल कंपोजिशन एंड पोरोसिटी डिटरमाइन द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन पार्टिकुलर हैबिटेट and the type of animals that feed on them, and the type of animals feed on them. का मतलब समझ में आया आप लोगों को? मतलब soil composition decide करेगा कि वहां के plants कैसे हैं, और plants का vegetation decide करेगा कि वहां पे animals कैसे हैं. जैसे बेटा देखो, जंग हमारे वहां चाउमीन डोसा बर्गर को जंक फूड बोलेंगे, चाइना वाले चाउमीन खाते हैं, साउथ वाले इडली बर्गर डोसा खा के फिट रहते हैं, है ना. हमारे वहां यहाँ पे जंक फूड डॉक्टर बोलते हैं उसको. तो जहां पे जैसा सॉयल का कंपोजिशन होता है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एडॉप्ट कर जाते हैं, समझ रहे हो. तो वेजिटेशन डिसाइड करती है बेटा, प्लांट वेजिटेशन, की वहां पे पूरी पॉपुलेशन कैसी होगी, समझ रहे हो. तो grow on particular habitat and type of animals that feed on them. Next one लिखो, the aquatic environment also, comma, the bottom sediments, topography बता रहा हूं अभी, topography मतलब soil profile, समझ रहे हो, अभी मैं बताऊंगा उसको. द एक्वेटिक इन्वायरमेंट ऑल्सो द बॉटम सेडिमेंट्स डिटरमाइन, बॉटम सेडिमेंट्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स. बेंथिक एनिमल्स मतलब जो बॉटम में रहते हैं एक्वेटिक मीडियम में, दैट कैन लीव देयर. मतलब एक्वेटिक मीडियम में बेटा बॉटम का कंपोजिशन क्या है, सॉयल का बॉटम में, वहां के बेंथिक एनिमल्स के फीचर्स को डिसाइड करता है, समझ रहे हो. अब लिखो हेडिंग दो, सॉयल प्रोफाइल. बेटा अगर अर्थ क्रस्ट देखें ये है, तो अगर ऐसे एक सेक्शन काट ले इसका, तो यहां पे जो लेयर होती है वो ओ होरिजन होता है, यहां पे ए होरिजन होता है बेटा, ये बी होरिजन सबसे बड़ा है, और ये सी होरिजन होता है. यही है सॉयल प्रोफाइल, समझ रहे हो. तो ओ होरिजन, ओ होरिजन में क्या होता है बेटा, स्पेशली मेनली ओ होरिजन में क्या होता है, लीटर लेयर होता है, LITER. लीटर लेयर का मतलब जो डिकेइंग मटेरियल है ना, डीके हो रहा है, ऑर्गेनिक फू, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें बहुत ज्यादा होंगे, उसको हम लीटर बोलते हैं. लीटर आगे भी हमें पढ़ना है, अभी बायोडाइवर्सिटी वाले इकोलॉजी में ही पढ़ना है हमें, ठीक है.
ए होरिजन को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा टॉप सॉयल। ए होरिजन को हम बोलते हैं टॉप ह्यूमस। ये जो टॉप सॉयल है बेटा, इसी में क्या होता है, ह्यूमस एंड मिनरल्स। देखो ए होरिजन में क्या होता है बेटा, ये इसको टॉप सॉयल बोलते हैं। ओ होरिजन में लीटर होता है, और ए होरिजन में टॉप सॉयल मतलब कि ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं। तो ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा किस में है, ए होरिजन में है। उसके नीचे बी है बेटा, बी में भी दो है, ये बी डैश और बी, लेकिन आप इकट्ठा लिख सकते हो दोनों को बी। बी में जो है स्टिल्ट या लोम सॉयल, एल ओ ए एम, लोम या स्टिल्ट सॉयल, STILT, स्टिल्ट सॉयल भी बोलते हैं इसको। बी होरिजन हो गया, ये सबसे ज्यादा एरिया इसकी होती है बेटा, डेप्थ इसका ज्यादा है, देख रहे हो। सी होरिजन थोड़ा कम होता है। सी होरिजन में क्या होता है बेटा, ग्लेशियल डिपॉजिट, या इसको बोलते हैं कि वाटर टेबल, यहाँ पे है वाटर टेबल। हमने पढ़ा था ना, रेन वाटर चला जाता है नीचे, वो यहीं पे जाके इकट्ठा होता है बेटा, वाटर टेबल में, सी होरिजन में। ये सॉयल, इसी को बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल, सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देते हैं कि कितने कौन सी लेयर होती है, किसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, तो ये आप अगर लिखे हो तो पता रहेगा तो बता दोगे आप। वैसे इसको आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स। यहां तक समझ में आ गया ना, थोड़ा सा याद करने वाला है, याद करने वाला क्या, आप लोगों को लिखते लिखते याद हो जा रहा होगा, कोई नई चीज हम नहीं बता रहे हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ा था। हाँ, कोई बहुत टफ चीज नहीं है इसमें, कोई बहुत रटने वाली चीज भी नहीं है, समझने वाली है थोड़ी बहुत, लिखते चलो याद होता चला जाएगा अपने आप, कोई बड़ी बात नहीं है इकोलॉजी। ठीक है, अब लिखो बेटा रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स, यहां रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स। लगभग 5 मिनट बचा है अभी, तो 2-4 लाइन लिख लो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जितना लिख सकते हैं अभी लिख सकते हैं, 5 मिनट में लिख लो, फिर जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिखिए हेडिंग दो, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स हेडिंग दो, और लिखो इसमें बेटा, ए बायोटिक फैक्टर्स आर हाईली वेरिएबल, एबायोटिक फैक्टर्स आर हाईली वेरिएबल, कॉम फुल स्टॉप, देयरफॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, एबायोटिक फैक्टर्स आर हाईली वेरिएबल, देयरफॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस, कोर्स ऑफ मिलियन ईयर ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मैनी स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, इवॉल्व्ड स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट विच परमिट्स all the biochemical and physiological functions
टू ऑल द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी फंक्शंस टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड दस enhance the overall fitness of the species. Maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. और इसी को क्या बोलते हैं जो maintain कर लेता है internal body temperature या जो भी हो environment को internal environment को जो मेंटेन कर लेता है उसको क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट पॉइंट दिस कॉन्स्टेंसी कैन बी अचीव्ड इन दिस कॉन्स्टेंसी कैन बी अचीव्ड इन दिस कॉन्स्टेंसी कैन बी अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर in terms of optimum temperature and osmotic concentration of body fluids. This constancy can be achieved in terms of optimum temperature and osmotic concentration of body fluids. Body fluids, that is the internal environment, that is the internal environment, that is the internal environment, homeostasis, homeostasis, full stop. इसको बेटा explain करूंगा मैं last अगली class में, next class में, ठीक है.